अनंत विजय ओके विनोद अग्निहोत्री और देश ने देखा ऑल राइट ओके विनोद अग्निहोत्री अनंत विजय पहले विनोद जी आप विनोद जी क्या सीबीआई ईडी की छवि को झटका लगेगा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले और उसमें जो टिप्पणियां की गई हैं उससे देखिए फैसला मैंने वो डिटेल में पढ़ा नहीं है जो साइट्स पे आया है वैसे ही देखा है अरे अखिलेश जी जरा विनोद जी को सुनिए ना अभी एक एक राउंड और लूंगा देता हूं आपको अभी थोड़ा देता हूं इसके बाद अखिलेश जी विनोद जी और अनंत विजय को सुनिए विनोद जी से अनुरोध कर रहा हूं नहीं एक सेकंड विनोद जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं मुझे वो 10 सेकंड दे दें बोलिए देखिए मानक जी इन्होंने प्रूफ मांगा कि एक भी केस शट डाउन किया गया हो तो बता मैं मैंने दो बताए मैंने इनके लिए केसेस ऑफ कैश रिकवरी गिना दी मानक जी अरे बस रुक जाइए अच्छा अखिलेश जी रुक जाइए प्लीज रुक जाइए इनके डेप्यूटी जी 2017 में 300 करोड़ का ये नेवर एंडिंग डिबेट है खत्म नहीं होगी विनोद जी मैं यही कह रहा हूं खत्म नहीं होगी खत्म नहीं होगी कैश के बोरे निकले ओके प्लीज रुक जाइए ओके विनोद जी विनोद अग्निहोत्री जो भ्रष्टाचार में डूबे विनोद अग्निहोत्री ओनली विनोद जी बोलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं जो कहा है वो तो पब्लिक डोमेन में सबके सामने है लेकिन ये जरूर है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं विपक्ष को एक राहत मिली है और मनीष सिसोदिया चूंकि अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर दो के नेता हैं आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पिछले 17 महीने से वो जेल में थे और संयोग से मेरे साथ वो एक चैनल में काम भी कर चुके हैं हम दोनों साथ काम कर चुके हैं इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मनीष सिसोदिया के बारे में जानता हूँ निजी तौर पर जानता हूँ मैं अब कम से कम मुझे भी एक प्रसन्नता हुई है मनीष को जमानत मिलने से कि भाई 17 महीने जेल अभी तक केस तो साबित हुआ नहीं है आरोप है उसके बावजूद अगर 17 महीने कोई व्यक्ति जेल में रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल जो है वो रूल नहीं होना बेल जो है नियम है और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए तो 17 महीने कोई कम नहीं होते हैं किसी व्यक्ति के लिए उसके बाद आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रही है ट्रायल तो होना चाहिए अब तक जितना आप ट्रायल डिले करेंगे उतना ही दिक्कत आएगी तो ट्रायल करो और फटाफट लोअर कोर्ट से फैसला हो उसके बाद उसके आगे अदालत में जाए और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो तो अगर वाकई एजेंसीज की जिम्मेदारी है अगर एजेंसीज फेयर हैं कि इस करप्शन के मामले का पर्दाफाश हो तो उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू कराना चाहिए और जो भी सबूत उनके पास है वो पेश करके उसको आगे बढ़ाएं एक तो ये बात है दूसरी बात यह है इसका राजनीतिक महत्व ये है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को आज एक राहत भी मिली है और एक वो क्या कहते हैं उनको उनका एक स्टैंड भी ये आया कि भाई जमानत मिली है उनके बड़े नेता को संजय सिंह को जमानत से पहले मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल चुकी है अभी सीबीआई केस में मामला उनका पेंडिंग है तो कुल मिलाकर के अगर 3 मामलों जमानत मिली है मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोर्ट से बरी हो गए हैं पूरी तरह से मुकदमा खारिज हो गया लेकिन जमानत मिलना भी आज के दौर में जमानत मिलना भी एक तरह से ऐसा लगता है जैसे जीत हो गई हो जिस तरह का माहौल है इस तरह का वातावरण है पूरे देश में कि जमानत मिला और जमानत के आदेश में जब कोर्ट टिप्पणी करता है संजय राउत का मामला मुंबई हाईकोर्ट की टिप्पणियां याद करिए संजय राउत को जेल भेजा गया था क्या टिप्पणियां आई तो मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी पार्टी के लिए बूस्ट है विपक्ष के लिए बूस्ट है बाकी जो आरोप अभी प्रदीप भंडारी जी ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त दी है या दी है ये तो कोर्ट का काम है कोर्ट देखेगा कि भाई उन पर क्या क्या आरोप है क्या लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मनी ट्रेल अभी तक साबित नहीं हो पाई है ये बात कई बार सामने आई है हाँ पॉलिसी को लेकर के सवाल उठे देखिए पॉलिसी गलत हो सकती है और पॉलिसी कई बार कई सरकारों की गलत साबित भी हुई है लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मनी ट्रेल साबित करनी होगी 2G जो सबसे बड़ा घोटाला था याद करिए आप कोर्ट में जाकर के वो बिल्कुल उनका कि घोटाला नहीं हुआ हालांकि अब बाद जाके हाईकोर्ट ने में वो मामला दायर हुआ है अब खोला गया कितने वर्षों बाद कितने समय के बाद फैसला कब आया था 2G का जब बिल्कुल शुरुआत के दौर में तो अब आप देखिए कि हमारे देश में दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आरोप लग जाते हैं बड़े बड़े नेताओं पर और उसके बाद दसियों साल उन पर काला धब्बा लगा रहता है उनका चेहरा खराब कर दिया जाता है उनके नाम के आगे लग जाता है और बाद में जाकर वो मामला होता है टाटा फिश बोफोर्स में देख लीजिए आज भी राजीव गांधी को लेकर के कांग्रेस को लेकर बोफोर्स में निशाना साधा जाता है लेकिन एक आदमी को सजा नहीं हुई बोफोर्स में आज तक एक भी को भी नहीं तो मतलब या अब 2G का मैंने एग्जाम्पल दिया कोलगेट हुआ उसमें वो जो एक्स कोल सेक्रेटरी थे वो तो फंस गए बाकी आप देख लीजिए सब जो है धीरे धीरे उसमें बाहर हो गए निकल गए तो राजनीति भ्रष्टाचार हमारे यहाँ ईमानदारी से उसके खिलाफ अभियान चलाने की बजाय उस पर राजनीति ज्यादा होती है
और ये जो है इसलिए भ्रष्टाचार कभी इस देश से खत्म नहीं होता और मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि अब आप पब्लिक में, आप पब्लिक में जाइए, हर आदमी क्या कह रहे, सारे नेता ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, ये जनरल धारणा हो गई है, सब ऐसे ही हैं। तो जब सब ऐसे वाली बात हो जाती है तो भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे बनेगा फिर? ओके अनंत विजय, अनंत, और ये इसमें ये भी जोड़िएगा आपके हिसाब से, अभी लालू जी की बात कर रहे, लालू जी कन्विक्ट हो गए चारा घोटाला में, लेकिन आज भी आरजेडी वहां जो है एक बड़ी फोर्स है, आज भी जो है वो लोकसभा में भी चार सीटें जीत ला, कन्विक्शन के बाद भी, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। ओके।